नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। और चलिए अहम खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। बेगूसराय के रहने वाले और जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में लैंडमाइन विस्फोट में शहीद हो गए। घटना की पुष्टि शनिवार शाम 6 बजे उस वक्त हुई जब सेना के द्वारा घर के सदस्य को फोन करके बताया गया। उधर जवान के घर में भी कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है करीब 6 महीने पहले ही ऋषि रंजन सिंह की सेना में नौकरी लगी थी, उन्होंने सेना की नौकरी ज्वाइन की थी और 1 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो आपको बता दें जवान के घर पर मातम का माहौल है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। और खास बात यह है कि अब के 6 महीने पहले ही उन्होंने सेना को ज्वाइन किया था और 1 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो लैंडमाइन विस्फोट में बेगूसराय का लाल शहीद हो गया। और चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजू किरनी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कब तक शव को, उनके पार्थिव शरीर को, जब कब तक उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा? देखिए, सेना अधिकारियों से जो हमारी अभी सुबह बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका शव जो है उसको पहले जो है यहाँ पे पूरे सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पे रीत लेंग जो है वो सेरेमनी यहाँ पे की जाएगी नौशहरा में, और उसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक जो दोनों हैं, एक तो जो बिहार के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार हैं और दूसरे जो हैं जवान जो हैं उनके शव जो हैं रीत लेंग के बाद जो है पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके घरों को पहुंचा दिया जाएगा। आज दोपहर तक जो है यहाँ से जो है उनके शवों को रवाना किया जाएगा और उसके बाद जो है शाम तक वहां तक पहुंचने की उम्मीद है, ये भी सेना अधिकारियों को कहना है। हालांकि ये क्योंकि एक बड़ी सेरेमनी होती है, क्योंकि शहीद जो है उनको शहादत को पूरा जो है उनका साथी जो है वो सलाम करने के लिए वहां मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसकी पूरी जो है तैयारियां वहां पे चल रही हैं। और चूंकि ये कल देर शाम को उनकी जो है शहादत जो है वो हुई थी और उसके बाद से जो है ये तैयारियां जो है जो भी नॉर्मल तरीके से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करके फिर उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया था। तो उसके बाद जो है आज जो है उनका शाम तक शब्द जो है उनके गाँव को जी। ठीक है राजू किरनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगभग 6 बजे हमारे बहनोई को सूचना आई कि मतलब आपका लड़का लॉस्ट कर गया, मतलब सेना का कोई अफसर फोन किए थे, इसके अलावा कोई जानकारी वहां से अभी तक नहीं मिली है वैधानिक रूप से कि क्या है नहीं है। हम लोग भी इंतज़ार में हैं और परिवार के लिए तो भारी दुखद घटना है, लेकिन मेरा भगना शहीद हुआ है, देश के लिए हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। दानापुर में पंचायत चुनाव के दौरान